क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं, उनमें वो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब वो कहता है कि इनमें से बताएं कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अब इक्वल तो हम उस वक्त बताएंगे ना जब हमें इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन आएगी। अब हम डेफिनेशन करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। लें जी, इक्वल मैट्रिक्स के दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब हो सकते हैं। लें जी डेफिनेशन, टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ, अगर इसके अंदर दो कंडीशन सेटिस्फाई। हमने कहा कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे अगर कंडीशन लगा दी कि इफ नंबर वन के ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी इक्वल, कि आपका जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी इक्वल। लें जी, आपके पास जो दो मैट्रिक्स हैं बेटा जी हम ले रहे हैं, वो आपके पास उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा हमेशा इक्वल होना चाहिए। उसके बाद नंबर टू, अब इनके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं बेटा जी, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वही सेम एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी आने चाहिए। अब उनकी पोजीशन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारे पास बनेगा देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। सही, यानी कि एंट्रीज आर इक्वल, एंट्रीज को आप एलिमेंट भी कह दें कि उनके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, वो एक ही तरह के होने चाहिए, उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप ले लें बेटा जी, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं 5-2, ये आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 2-3, ये आ रहा है आपके पास 1, ये -4 आ रहा है। अब एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बी आपके पास, ये मैट्रिक्स है 3, ये -1 है, इसको लिख दें 5-4 लिख दें और इसको लिख दें -4। अब देखा जाए हमें इसके अंदर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जी, इसके अंदर कितनी रोज आ रही है, 1 और 2। लेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज आ रही है तो 2 by g, इसके अंदर कितने कॉलम आ रहे हैं, ये 1 कॉलम और ये 2nd कॉलम, तो इसके अंदर कितने कॉलम आ गए, 2। तो लेंगे इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, 2 by 2 का। अब हमें देखना है कि क्या मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2 by 2 आ रहा है, अगर तो आ रहा है तो फिर तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेंगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी बेसिकली इसके अंदर कितनी रोज है, 2 बाय, अब इसके अंदर कितने कॉलम्स है, 2। लेंगे इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए, नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी सेम यही है जो इसमें आ रहे हैं। लेंगे अब देखिए जरा, आपको पता है कि 5-2 प्लस 5 के साथ जो साइन है वो प्लस का है और 2 के साथ साइन किसका है, माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब 5 में से 2 के बाद कितना रहता है, 3, और अलामत किसकी लगाते हैं, हमेशा उस नंबर की लगाते हैं जो बड़ा नंबर होता है, तो यहां पर 5 बड़े, इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस, तो यहां पर प्लस, और प्लस हम लगाते नहीं। लें जी तो ये 3 आ गया। अब यहां पर देखें तो ये 3, ये 3 के इक्वल हो गया, पहला एलिमेंट सेम हो गया, सेम पोजीशन वाला एलिमेंट, सेम पोजीशन एलिमेंट के सेम हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको पता है 2 के साथ प्लस आ रहा है और 3 के साथ माइनस आ रहा है, अब प्लस माइनस साइन डिफरेंट है तो हमेशा माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1, अब आपने अलामत वो लगानी जो बटन के साथ होगी, तो 3 के साथ माइनस आ रहा है तो लिहाजा ये -1 आ जाएगा। अब आपको नजर आ गया कि ये -1 इक्वल आ गया किसके, -1 के, दूसरे वाले एंट्री भी क्या होगी, वो सेम होगी। कोई कोई मसला हो तो आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना कि ये हमें समझ नहीं है। उसके बाद बड़े जी ये देखें, ये 1 है, आपको जरा इससे नजर आ रहा है कि 5-4 क्या देता है, 1 आ देता है, क्यों, क्योंकि 5 के साथ साइन प्लस कह लेकिन हम वो लगाते नहीं है, वो अंडरस्टूड है वो प्लस ही है। नहीं जी 4 के साथ साइन माइनस का तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 4 के वो आ जाएगा 1। अब तीसरे वाले एलिमेंट क्या हो गया, वो सेम होगा, लास्ट -4 -1
लेंगी, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इससे पता चला कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। हेंस मैट्रिक्स ए जब इक्वल आ गया मैट्रिक्स बी के, क्लियर। लेंगी इसी की बेस पर हमने क्वेश्चन नंबर अपना टू करना है। लेंगी क्वेश्चन नंबर टू के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। लें जी अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल और कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। जस्ट आपने यही दो कंडीशन जो है ना वो अप्लाई करनी और आपका आंसर आ जाएगा। लें जी जिस तरह से देखें आपके पास ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये वाला बेटा जी ओनली इसके अंदर एलिमेंट आ रहा है वो थ्री आ रहा है, इसके अंदर एलिमेंट आपका थ्री आ रहा है। उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स बी है, ये देखें ये थ्री और फाइव आ रहा है। उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स सी है, ये फाइव माइनस टू आ रहा है। उसके बाद मैट्रिक्स आपका डी है, ये आपके पास आ रहा है फाइव थ्री है। उसके बाद आपके पास मैट्रिक्स ई जो आ रहा है वो है फोर जीरो सिक्स टू आ रहा है, क्लियर। अब उसके बाद जो मैट्रिक्स एफ है ये आपके पास आ रहा है टू सिक्स के। अब इसी तरह मैट्रिक्स जो जी है आपके पास आ रहा है थ्री माइनस वन और ये थ्री प्लस थ्री। उसके बाद जो मैट्रिक्स एच है वो आपके पास आ रहा है फोर जीरो सिक्स टू के। इसी तरह मैट्रिक्स आपका जो आई है वो आ रहा है थ्री और थ्री प्लस टू जी। उसके बाद मैट्रिक्स आपका जे लास्ट वन जो है वो आपका मैट्रिक्स आ रहा है टू प्लस टू, टू माइनस टू, टू प्लस फोर और टू प्लस जीरो। लेंगे आपका मैट्रिक्स आ चुके सारे, ये सारे मैट्रिक्स हमने लिख दिए। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल और कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। सही हो गया। देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो है बेटा जी इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही एलिमेंट आ रहा है। अब पहले इसका ऑर्डर देखें कितना बन रहा है, इसका ऑर्डर बन रहा है वन बाय वन। क्यों? क्योंकि बेटा जी इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर क्या बन गया वन बाय वन। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या आ रहा है थ्री। अब आपने वो मैट्रिक्स ढूंढना जिसका ऑर्डर वन बाय वन हो और उसके जो अंदर एलिमेंट आए वो थ्री ही आए जी। इनमें से कौन सा बन रहा है जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बन रहा है सी। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, सी के। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर ए का है वही ऑर्डर सी का है। और दूसरी बात जो ए के अंदर एलिमेंट आ रहे वही मैट्रिक्स सी के अंदर एलिमेंट आ रहे, क्लियर। इसी तरह से आप मैट्रिक्स बी देखें इसके अंदर आपके पास जो ऑर्डर बन रहा है वो बन रहा है वन बाय टू का, इस वाले का जो ऑर्डर बन रहा है वो वन बाय टू का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रो है और दो वन कॉलम हो गए टू कॉलम, क्लियर। तो इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आ गया वन बाय टू का। अब देखें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर वन बाय टू बन रहा है और उसके अंदर एलिमेंट भी सेम है जी, बिल्कुल आई वाला। अब इसके अंदर डी वाला नहीं ले सकते, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि जो यहां पर पहली पोजीशन पर 5 है लेकिन यहां पर पहली पोजीशन पर क्या था 3 था, तो लिहाजा ये एलिमेंट डिफरेंट हो गए। हमने जब डेफिनेशन की थी वो ये की थी कि उनके कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज या एलिमेंट वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ये बी डी के इक्वल नहीं होगा, क्लियर होगी बात। उसके बाद ये इक्वल होगा मैट्रिक्स बी किसके, आई के। तो मैट्रिक्स बी किसके इक्वल हो गया, आई के। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 1 by 2 है और i का भी ऑर्डर 1 by 2 है, क्लियर। और जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं वही एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं जी। लास्ट में देखते हैं कि मैट्रिक्स d किसके इक्वल आ रहा है जी। मैट्रिक्स d हमारे पास 5 3 ऑर्डर तो 1 by 2 है लेकिन एलिमेंट हमारे पास नहीं बन रहा, इसका मतलब जो d मैट्रिक्स है वो किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा। मैट्रिक्स d हमारे पास किसके भी इक्वल नहीं आ रहा। इसी तरह मैट्रिक्स e जो है बेटा जी वो किसके इक्वल आ जाएगा, मैट्रिक्स एच के। इसके अंदर दोनों एलिमेंट क्या है वो सेम है। लें जी E इक्वल आ जाएगा एच के और एच मैट्रिक्स देखें 2 प्लस 2 4, तो पहले वाला एलिमेंट क्या हो गया सेम हो गया, 2 प्लस 4 ये 6 हो गया बेटा जी, इसका एलिमेंट भी क्या आ गया 6। उसके बाद 2 माइनस 2 आंसर 0, जाहिर सी बात है 0, ये 0 है सेम है। अब 2 प्लस 0 ये भी क्या आ जाएगा 2, इसका मतलब है जो J के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं और जो H के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं और जो E के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं
तीनों के एलिमेंट भी सेम है और तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, सबका ऑर्डर क्या है 2x2 का, तो लिहाजा ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्लियर लें जी, इसका मतलब हमारे पास ई एच जे ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो है वो बात करेंगे।